हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, एक बहुत ही बुरी खबर है और ये खबर ये है कि ग्रुप डी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और देखिए, ग्रुप डी का किसका एग्जाम कैंसिल हुआ है, किसका नहीं हुआ है और जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है उनका अब कब होगा, ये बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने RRB चंडीगढ़ की वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप भी अगर ओपन करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे ही मैं यहां स्क्रॉल करूंगा तो देखिए 29 तारीख के ही नोटिस हैं यहां पर। देखिए, ये भी 29 तारीख, ये भी 29 तारीख और ये भी 29 तारीख का ये नोटिस है आज का ही। और जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं, यहां है नोटिस फॉर कैंसिलेशन यानी कि रीशेड्यूलिंग ऑफ CVT शिफ्ट टू हेल्ड ऑन 18/9/2022। यानी कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो ये खुल के, अब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा। और देखिए इसमें लिखा क्या है और किसका एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो इसमें देखिए, ये है नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ शिफ्ट टू यानी कि CVT 1 का जो शिफ्ट टू का एग्जाम था, जिन्होंने 18/9/2022 यानी कि 18/9/2022 को सेकेंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और ये सभी का नहीं हुआ है, ये केवल जिनका TC कोड 8040 था और ये वाला जो डिजिटल जॉन IDZ 1 मथुरा रोड न्यू दिल्ली, यहां पर जिनका सेंटर था 18/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो केवल और केवल एक सेंटर का, इसी सेंटर का, और 18/9/2022 सेकंड शिफ्ट वालों का ही एग्जाम कैंसिल हुआ है। और इसका जो कारण बताया है, इन्होंने कोई खास कारण नहीं दिया है, और जो इसका कारण है वो है टेक्निकल रीजन, यानी कि टेक्निकल रीजन के कारण ये एग्जाम कैंसिल किया जाता है। और इसका जो री एग्जाम होगा ये होगा अब 6 अक्टूबर 2022, यानी कि आपका जो जिनका भी एग्जाम कैंसिल हुआ है उनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट विल बी हेल्ड ऑन 6 अक्टूबर 2022, यानी कि सेकंड शिफ्ट में होगा और उसी सेंटर पर होगा और ये एग्जाम 6 अक्टूबर को आपका होगा। सेकंड शिफ्ट में कैंसिल हुआ है तो सेकंड शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा और जिस सेंटर पर कैंसिल हुआ है उसी सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। और इसके लिए आप री यानी कि दोबारा से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 तारीख के बाद। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनका भी एग्जाम इस सेंटर पर था, जिन्होंने एग्जाम दिया है, सब तक ये न्यूज़ पहुँच सके। जिनका पेपर अच्छा गया होगा उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी। अब 19 तारीख के बाद में उन्होंने पढ़ाई पर अब फोकस ही नहीं किया होगा बिल्कुल, तो उन्हें ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। और जिनका पेपर खराब गया होगा वो 2-4 दिन रिवीजन करके अब एग्जाम दे सकते हैं। तो ये खबर थी जो आपको देनी थी, बहुत ही ज़रूरी खबर थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।